ओके दिस विल बी द लास्ट वन. सर आप तीन सवाल पूछ सकते हैं, उन्होंने 10 पूछे हैं. जैसे आपने अभी कहा कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग क्वीन, आपने करी है, कंगना को किसी ताल्लुक की जरूरत नहीं है, लेकिन मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कई विवाद खड़े हुए हैं जहाँ एक सीनियर डायरेक्टर क्रिश या मिस्टी चक्रवर्ती की बात करो, ये वो ये उनका ये इल्ज़ाम है कि कंगना ने उनके रोल पूरा जो क्रेडिट है डायरेक्शन की जब बात करें तो क्रिश का ये कहना है कि पूरी फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की थी लेकिन मुझे मणिकर्णिका को रिलीज तक लाना था इसलिए मैं चुप रहा. जी टुडे यस्टरडे ही हैव गिवन द इंटरव्यू टू ऑल द टॉप पेपर्स एंड ऑल. नाउ टुडे मिस्टी चक्रवर्ती कमिंग इन द पिक्चर सेइंग द सेम थिंग. मिस्टी चक्रवर्ती, आई डोंट इवन नो हु शी हैव डन कांचियन. ओके शी इज अ पार्ट ऑफ. ओके सॉरी बिकॉज़ ऑफ माय लैक ऑफ, आई अपोलोजाइज फॉर माय लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट. आई नो क्रिश पर्सनली, आई हैवेंट वर्क विथ हिम, बट क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं काफ़ी सारी बार मुलाकात हुई है. कंगना आई नो हर एज एन एक्टर, वट एवर मैं उनका जो भी काम स्क्रीन पे देखा है. मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि कंगना को कोई टच नहीं कर सकता एज एन एक्टर. शी इज़ बिन अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड फैन भी हूँ और एडमायर भी करती हूँ. फिल्में बनाना आप जो देखते हैं, आपके सामने जो बातें आती हैं वो सिर्फ ऊपरी बातें आती हैं. जो फिल्में बनाने में जो एफर्ट जाता है, जो 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 श्रम जाता है, वो आई थिंक इट्स रियली नॉट एक्सप्लेनेबल इवन. एंड कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेट पे, यू कुड बी विथ योर डायरेक्टर, इट कुड बी विथ अदर टेक्निकल क्रू इन द फिल्म, बट फिल्में बननी हैं और रिलीज़ होनी हैं एंड डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट इशूज़ वाइल दैट हैपन्स. क्रिश इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, मैंने उनकी काफ़ी सारी फिल्में साउथ की देखी हैं. इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहाँ दोनों की मतलब उनकी अनबन हो गई है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, बट क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा होता है. हमारा कोई मैथमेटिकल जॉब नहीं कि प्लस टू प्लस टू इज़ फोर, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स अ क्रिएटिव जॉब. तो लोगों को, दो क्रिएटिव लोगों को सिंक होना चाहिए और अगर किसी वजह से वो नहीं हो रहे, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट only the film should be kept in importance and film ki film ji ji kyunki main chahta tha film release ho. absolutely the film has to be given the prior importance personally ji, and you know Kangana as an actor. See, I think it's very unfair for me to comment because I have not been in the set. I think because I'm a part of the film industry, I all the more feel agar aap set pe nahi ho to aapko sachi mein kya ho raha hai kabhi bhi malum nahi ho sakta. आई रियली फील सैड कभी कभी कि मीडिया तक सिर्फ आधी बात पहुँचती है या जो बात बतानी जाए चाहिए वही बात पहुँचती है. बट बहुत सी चीज़ें होती हैं सेट पे जो इट्स रियली रियली हार्ड टू टेल एंड बट इट्स लाइफ. आई मीन यू हैव टू मेक अ फिल्म एंड यू हैव टू ब्रिंग इट आउट टू पीपल, क्योंकि आखिरी में ये फिल्में लोगों के लिए बन रही है एंड पीपल हैव टू वॉच इट, पीपल हैव टू लाइक इट. सो हु मेक्स इट, हाउ इट्स मेड, दैट जर्नी विल ऑलवेज बी अ मिस्ट्री. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. आपके विचार डाइवर्स चीज़ों पे हमने सुने. एक और भी हम लाइक यू हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एंड एवरीथिंग, आपकी नॉलेज में व्हाट आर द प्रोविजंस विच शुड बी मेड फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान किए जाने वाले हैं और वो घड़ी या दिन नज़दीक है, क्या अपेक्षाएँ आपके मन में रहती हैं? 1 फरवरी को बजट है, उसके ऊपर मैं आपके विचार, अगर आप एक कॉमन आदमी एक सामान्य मानसिकता के हिसाब से क्या होना चाहिए? सी देयर आर लॉट्स, एंड दिस इज वेरी वेरी लार्ज क्वेश्चन यू आस्क्ड. इट्स अ वेरी वेरी ओवर नॉट एन एक्सपेंसिव बट इट्स अ वेरी लार्ज क्वेश्चन. इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी लाइक. आई थिंक एसेंशियली फॉर द कंट्री व्हाट आई कैन ऑलवेज इमेजिन इज दैट because I've also been a part of the Swachh Bharat campaign, I generally feel like sanitation is something that's a problem everywhere. Like, we should not be one thinking about how difficult it is to use the restroom in a place. It could be in studios, it could be in, you know, public places, railway stations, airports. Sanitation is a thing that I think essentially our country, I think that's some very basic thing that needs to be altered everywhere. It could be cities, it could be rural. So I think and from the film perspective, I think if you are allowed to make content that is more, which is more relevant today, if it's given more support, then it's easier for us to, as creative people also, to make content that is, that will influence people. Because whether we like it or not, films have an effect on people. We are responsible about it and we feel that it should be always, you know, be careful about what content we make. But I think if we really want to make an influence, then we should be allowed to kind of explore present
टॉपिक्स. पर आपने देखा भी जीएसटी तो कम किया है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग स्टेप है. थोड़ा हिंदी में रखना आंसर. ये सभी को डायरेक्ट करते हैं ना. इट्स अ ग्रेट थिंग आई थिंक. अगर जीएसटी कम होता है तो आई थिंक सब खुशी हैं. आई थिंक सब अपना सब आजकल हम जो भी फील्ड में हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ आर जॉब. एवरी आजकल बहुत हर प्रोफेशन में बहुत हार्ड वर्क है. तो अगर ऐसी सुविधाएं और बने शायद सिटीजन्स और भी खुश हों. एंड या एंड इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस.